जय भीम जय मूलनिवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। एमएनटी न्यूज बुलेटिन में देखते हैं कुछ विशेष खबरें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वंदे मातरम गाने से इनकार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने उस मुस्लिम शिक्षक पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कटिहार जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अफजल हुसैन ने 26 जनवरी को वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी से स्थानीय लोगों में अफजल के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। स्कूल पहुंचकर उन्होंने शिक्षक के साथ हाथापाई की और जमकर बवाल काटा। शिक्षक अफजल हुसैन का कहना है कि उसने वंदे मातरम नहीं गाया क्योंकि वह उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और वंदे मातरम का मतलब होता है भारत की वंदना, जो हमारी मान्यता के खिलाफ है। संविधान नहीं कहता कि यह वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। पीएम मोदी का यह बयान आज तक सुर्खियों में रहता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने देश की जनता को गुमराह किया है। विदेशों में छिपे काले धन को लाने के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाकी थी। यहाँ तक कहा गया था कि अगर विदेशों में रखे काले धन को लाया गया तो देश के हर व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। वही अब काले धन को लेकर मोदी सरकार का एक नया जुमला सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने काले धन पर उन 3 रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है जिनमें देश के भीतर और विदेश में भारतीयों द्वारा काला धन रखने से जुड़ी जानकारी है। मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्ट की जांच एक संसदीय समिति कर रही है, ऐसे में इन्हें सार्वजनिक करने से संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा। उन 3 रिपोर्ट को मोदी सरकार ने लोगों के सामने लाने से साफ मना कर दिया है। दरअसल 2011 में यूपीए सरकार ने दिल्ली में स्थित सरकार की 3 बड़ी संस्थाओं को ब्लैक मनी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों को जुटाकर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। एक तरफ योगी सरकार जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना बताकर अनुसूचित हितैषी होने का दावा करती है, वहीं जय भीम बोलने वालों से भी कतराती है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रकाश बरेली के ADG है, जिनकी जय भीम बोलने की आदत की वजह से इन दिनों योगी सरकार में इनकी जोरों से चर्चा हो रही है। शायद योगी सरकार यह हजम नहीं कर पा रही है कि उनके राज में कैसे किसी की जय भीम बोलने की हिम्मत हुई है। प्रेम प्रकाश जब भी लोगों से मिलते हैं तो वे उनका अभिवादन जय भीम बोलकर करते हैं और यही बात योगी सरकार के विधायकों को खटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मामले की सुनवाई पटना से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पटना से दिल्ली की पॉक्सो अदालत भेजने का आदेश देते हुए 2 के भीतर मामले की सुनवाई शुरू करने और 6 के भीतर पूरा करने को कहा है। अदालत ने मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न मामले से जुड़े दस्तावेजों को 2 के भीतर बिहार की CBI अदालत से साकेत जिला अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को चेताया है कि यदि इस मामले से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने में असफल रहे तो मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 31 मई 2018 को एक बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू करते हुए सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर अगले 6 तक के लिए पाबंदी लगा दी है। बीते 4 की रात इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की गई। उत्तर प्रदेश में स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संबद्ध महाविद्यालयों में भी योगी सरकार ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 6 को कुछ सरकारी संगठन पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल करने वाले थे। बताया जा रहा है कि इसी वजह से योगी सरकार ने यह कदम उठाया है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य के कार्यपालकों से संबंधित किसी भी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी निगम या स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर ESMA 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत अगले 6 तक के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ESMA के तहत डाक सेवाओं, रेलवे, हवाई अड्डों समेत विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़ी कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। ESMA लागू होने के दौरान होने वाली हड़ताल को अवैध माना जाता है। आपको बता दें कि हड़ताल कर कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 तक की सजा या जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। ESMA लागू होने के बाद पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में साल 2014 के दौरान कुल 12,360 किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की है, तो वर्ष 2015 में यह संख्या बढ़कर 12,602 हो गई है।
दिलचस्प बात यह है कि आत्महत्या करने वाले इस तादाद में से लगभग एक तिहाई किसान अकेले महाराष्ट्र से हैं। वर्ष 2016 की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों को एक दिन में 17 रुपए देकर अन्नदाताओं के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। दरअसल मौजूदा सरकार किसानों की सुध लेने के बजाय उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, लिहाजा किसान परेशान होकर आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। अपने अंतिम बजट में भी मोदी सरकार ने किसानों को ठोस राहत देने की बजाय 17 रुपए प्रतिदिन का झुनझुना थमा दिया है, जो एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की आड़ में भी किसानों को लूटा जा रहा है। आयकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अब ये आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए के शिकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा है कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आयकर कानून की धारा 139(a)(a) को सही ठहरा चुकी है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2018-2019 का आयकर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बगैर ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर यह निर्देश दिया है। एमएनटी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मूलनिवासी भोजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएनटी न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूलनिवासी।